एक तरफ हुकूमत लॉकडाउन गरीब मुतासरीन के चूल्हे जलाने में मसरूफ, तो दूसरी तरफ मुरीद के तहसील इंतजामिया ने गरीब सब्जी और फल फरोशों के सैकड़ों खानदानों को फाको मारने की धान ली। आए रोज हाईवे की लीज शुदा जमीन पर बैठे हुए सब्जी और फ्रूट फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में सब्जी और फलों से बड़ी रेड़ियां ट्रालियों में डालकर ले जाते हैं। मुतासरीन का सब्जी और फ्रूट के अड्डे गिराए जाने पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के सरमद तैमूर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की मुबैना गैर कानूनी ऑपरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी सीना को भी। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि हम हाईवे की लीज शुदा जमीन पर रोजी कमा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने भी हमें 5 बजे तक अशिया फरोख्त करने की इजाज़त दे रखी है और हर माह बाकायदा तौर पर हाईवे के ठेकेदारों को किराया अदा करते हैं, मगर इसके बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के सरमद तैमूर ने अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए मुबैना गैर कानूनी ऑपरेशन की आड़ में हमारे अड्डे गिरा दिए हैं, जो कि सरासर जुल्म व ज़्यादती के मुतरादिफ हैं। लिहाजा हुक्मी वाला ने फौरी नोटिस ना लिया तो हम इंतहाई रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ गुलफाम बट्टी, गाजी न्यूज, मुरीद के। जरा रोटी तो मजबूर है, रोटी नहीं पक सकती एक टाइम की तार मंडियों जाके सौदा लियाईदा, वो कमेटी वाले आके चुक के लै जाते हैं, हलटा जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, साडा बदतमीजी करते हैं। तो मेहरबानी करो सानू बहन दो, सानू साडे बच्चों का रिजक मान दो, जाते हैं कंडे रेहड़ियाँ हर चीज लै जाते हैं। सारी दुनिया जी बैठी है बात साडे नाल, जरा ना ज्यादती हो रही है। ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਿਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਨਜ਼ੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਕਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਿਕਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੇਚਣਾ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਰੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ।